यहाँ आते ही बन जाते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी हम तो ये कहेंगे भगवान मोहन जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जैसे आप लोगों ने आज यहाँ पर भगवान का ये भंडारा पाया, भगवान सबको सद्बुद्धि दे उस प्रसाद से, और आपके सबके मनोरथों को सिद्ध कर रहे हैं। जय भूमिया किस तरीके से चाय पंथ जी है ना जोशी जी पंडित जी भी यहाँ पर आप पूरी बना रहे हैं, चाफी के पंडित जी तिवाड़ी जी, और चाय भी पीते जा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और पंडित जी क्या कहना चाहते हैं आप? कमल भाई बैठो, नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ, और आज मैं हूँ जी मंदिर पर नैनी बैंड पर। कितना अच्छा यहाँ का सीन है, पूरा भवाली और परसौली भुनियाधार की एरिया दिख रही है, देख रहे हैं ये मौसम भी सुहाना हुआ है, और बांस के पेड़ के नीचे मंदिर है मुंजी का नैनी बैंड में, और आज यहाँ सुंदरकांड है देख रहे हैं, गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं ध्यान में। तो हम हैं नीरज महादेव जी के साथ, और दो वचन आप नीरज दा कुछ बताएंगे अपने भक्तों के। जो शक्तिपीठ आज हम लोग हैं यहाँ पर, ये बहुत प्राचीन भूमिया शक्तिपीठ है, और भवाली से जो मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास
नैनी बैंड एक जगह है, उस पे वो प्राचीन शक्तिपीठ बना है। ये हमारे दादा परदादा के टाइम से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जुड़ते हैं। चार पाँच चीज़ ना।